Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So students, जैसा कि आप जानते हैं हमने preparation method of alkanes जो है general methods जो है alkane को prepare करने के basically वो start किए हुए हैं. Last lecture में हमने Kolbe's electrolysis method पढ़ा था. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा lecture number 9 है जिसके अंदर हमने कार्बोनाइल कंपाउंड से किस तरह से अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है ये सीखेंगे. उसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, पहले हम आते हैं अल्केन और पैराफिन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड और कीटोन स्टूडेंट्स, इन दोनों को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, ये दोनों को बेसिकली हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी दो तरह के रिएक्शन आपके पास आ जाते हैं. एक वुल्फ केशनर रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा आता है आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. तो पहले मैं वुल्फ केशनर रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी करने लगा हूं स्टूडेंट्स, जो के एल्डिहाइड से रिलेटेड है. ठीक है, जहां पर एल्डिहाइडिक कंपाउंड की रिडक्शन होगी और उससे अल्केन बनेगा, तो इस तरह के प्रोसेस एंड वन मोर थिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राजीन, तो इसको हम क्या कहेंगे, वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन. जरा गौर कीजिएगा, कहते थे एल्डिहाइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राजीन. हाइड्राजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कोई एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स उसकी रिडक्शन होती है, और रिडक्शन होकर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसकी क्या आती है, वो रिस्पेक्टिव अल्केन आ जाती है. रिस्पेक्टिव अल्केन का मतलब क्या है कि जितने कार्बन वाला एल्डिहाइडिक कंपाउंड होगा हमारे पास, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला अल्केन जो है वो प्रिपेयर होगा. तो स्टूडेंट देखें, ये पहले मेरे पास कंपाउंड है, यहां पर ये एल्डिहाइड है और आप देखें ये दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, इट वुड बी एसिटाल्डिहाइड. ये एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड होगा. ठीक है, अब ये एसिटाल्डिहाइड में ये देखें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं. जब हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में ऐड हो रही हो तो स्टूडेंट उसको रिडक्शन कहा जाता है. ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, ये देखें ये हाइड्रोजन ऐड हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ N2H4 एंड KOH, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. तो आप ये देखें स्टूडेंट, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड था जिसने दो कार्बन वाला ही अल्केन प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये स्टूडेंट हमारे पास इथेन प्रोड्यूस हो गया और साथ वाटर. तो ये था हमारे पास वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन. अब हम देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. तो स्टूडेंट क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में फर्क ये है कि आपके पास कीटोनिक कंपाउंड है यहां पर, और ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है मेरे पास, ये है एसीटोन. ठीक है, अब इसमें भी रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम प्लस HCl, तो आप देखें रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला ही अल्केन प्रिपेयर होगा. जैसे कि आप देखें एसीटोन है, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स ये देखें यह हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एटॉमिक हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन रिएक्शन. लेकिन यहां पर अब कंडीशंस क्या हैं कि इसके अंदर आप देखें जिंक और मरकरी का सोल्यूशन है, एलॉय हुआ हुआ, बेसिकली मरकरी भी मेटल है जिंक भी मेटल है, तो जब दो मेटल्स आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है तो हम उसको एलॉय फॉर्मेशन कहते हैं. तो ये एक एलॉय होता है और HCl की प्रेजेंस में यहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी. और आप देखें तीन कार्बन वाला कंपाउंड जो था एसीटोन का, वो तीन कार्बन वाला ही अल्केन बनाएगा जिसका नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है, और साथ वाटर बनेगा. फर्दर मोर अब इसके अंदर यह सीखना है कि जेड एंड AgN के जिंक और मरकरी, फ्रेंड्स इसको जिंक अमलगम कहा जाता है. ठीक है, और ये चीज क्या है, कहता है एन एलॉय कंटेनिंग मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो उसको आप एमलगम कहते हैं. ठीक है, कोई भी एलॉय यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स, उन मेटल्स में से अगर एक मेटल मर्करी है तो उसको हम एमलगम कहते हैं. जैसे कि यहां पर अब दो मेटल्स थे जिंक और मर्करी, तो इसको जिंक का एमलगम कहा जाएगा. तो ये हमारे पास प्रोसेसेस थे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स थे कि जिनसे हमने अल्केन को प्रिपेयर किया. एक जगह पर इथेन प्रिपेयर हुआ क्योंकि दो कार्बन वाला कंपाउंड था एल्डिहाइड, और ये वुल्फ केशनर रिडक्शन है, हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा.
और उसके अलावा क्लेमेंजन रिडक्शन है स्टूडेंट, जिसके अंदर जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप से मेंबर है वेरी फर्स्ट मेंबर एसीटोन, उसकी रिडक्शन होगी जिंक अमालगम प्लस एचसीएल की प्रेजेंस में. नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड फ्रॉम योर बुक इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर अल्केन्स. अब स्टूडेंट्स यहां पर बात यह आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. तो पहले सीखते ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है और कैसे प्रिपेयर होता है. स्टूडेंट्स देखें, कहता है अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. सिर्फ ये तीन बातें याद रखनी है कि जब कोई अल्काइल हैलाइड ईथर की मौजूदगी में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं. ठीक है, ग्रिग्नार्ड ये साइंटिस्ट का नेम था बेसिकली, जिसके नेम पर यह रिएजेंट को नाम दिया गया. ठीक है, देखें जी वही बात अल्काइल हैलाइड. तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास अल्काइल हैलाइड, ये नीचे लिखा हुआ मैंने. ठीक है, अल्काइल हैलाइड को मैंने मैग्नीशियम के साथ क्या कर दिया स्टूडेंट्स, रिएक्ट करवाया. किसकी मौजूदगी में? ईथर की मौजूदगी में. ठीक है, तो अब आप देखें यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मैग्नीशियम जो है ये इसका हिस्सा बन जाएगा. देखें आर एम जी एक्स, जिसको क्या कहा जा सकता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. अल्काइल कोई भी अल्काइल इसमें हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एनीवन, और हेलोजिन भी कोई भी हो सकता है. आमतौर पे जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन वगैरह को यूज किया जाता है. ठीक है, अब ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है तो स्टूडेंट आप देखें इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी बात बिल्कुल नीचे लिखी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी है क्या, डीकम्पोज ऑन ट्रीटिंग विद वाटर और एनी अदर डाइल्यूट एसिड. कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अगर हम वाटर ऐड कर देंगे, वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवा देंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डीकम्पोज हो जाता है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ठीक है, तो अब वही सीखेंगे स्टूडेंट. ये देखेंगे मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही लिखा हुआ है, अल्काइल मैग्नीशियम एंड हैलाइड. तो इस तरह से इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहेंगे. ब्रोमीन हैलोजिन है और CH3 मिथाइल है जो कि अल्काइल फैमिली का मेंबर है, और मैग्नीशियम मेटल. अब आप देखें यार रिएक्ट कर रहा है. अच्छा स्टूडेंट इसके रिएक्टिविटी डिस्कस करने के लिए मैं इस पे चार्जेस लिख देता हूं. पहले जरा ये गौर से देखिएगा, यहां पर जो मैग्नीशियम है ये स्ट्रांग मेटल है और मेटल पे यूजली पॉजिटिव चार्ज आता है, सो इट वुड बी पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज. और जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो अल्काइल ग्रुप है इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा. ठीक है, अब बेसिकली जो बॉन्ड ब्रेक होना है इसमें स्टूडेंट वो कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड की क्लीविज होगी, कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा. और साथ ही दूसरी तरफ देखें वाटर है, इसमें एक हाइड्रोजन आयन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीजन है जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. यहां पर भी स्टूडेंट देखें यही बॉन्ड ने ब्रेक होना है. ठीक है, अब आप देखें यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी कि ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट, हाइड्रोजन आप देखें इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये जो कार्बन था इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, तो ये हाइड्रोजन यहां से मूव करके इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा. तो अब आप देखें यहां मैं रिएक्शन अगर लिख दूं तो ये CH3 था, एक ये एक साथ आके अटैच हो गया तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, CH4 विच इज अल्केन. प्लस अब इसमें क्या मजीद ऐड होगा, मैग्नीशियम साथ ब्रोमीन तो एक जगह अटैच है ही, अब यहां से ये हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट इस ब्रोमीन के साथ आकर अटैच हो जाएगी और देखें यहां से क्या कंपाउंड बन जाएगा, मैग्नीशियम एक जगह पे ब्रोमीन अटैच थी और एक इसके साथ हाइड्रोक्साइड जो है वो अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप देखें स्टूडेंट यहां पर ये क्या बन गया हमारे पास, अल्केन को हमने प्रोड्यूस कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, कहां से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्लियर, तो इस तरह से हम ये डिस्कस करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं. और सेकंड थिंग एक और बात याद रखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने कार्बन वाला होगा उतने कार्बन वाला यहां पे अल्केन प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, एक और एग्जांपल अगर डिस्कस की जाए तो आप देखें अब CH3 CH2 Mg and Br प्लस इसके अंदर भी स्टूडेंट उसी तरह वाटर ऐड कर देंगे. अब आप देखें यहां से अगेन ये कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक,
तो ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली इस पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और देखें स्टूडेंट यहां से क्या बनता है, फिर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, उसके अलावा उसी तरह मैग्नीशियम, एक जगह पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और दूसरी जगह पर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब यहां पर ये दो कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा जैसे कि इथेन है। ठीक है, तो दूसरा मेथड हमारे पास ये था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली है क्या, पहले हमने ये देखा और फिर ये देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो यहां से भी अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने अल्केन को प्रिपेयर करने के ये दो मेथड्स डिस्कस किए हैं। अगर इनमें कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।